हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचआर मेडिकल ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ के आर चौधरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपकी और आपके बेबी की हेल्थ अच्छी रहे और आपको एक सेफ प्रेगनेंसी या सेफ डिलीवरी हो सके, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि आने वाला अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये बहुत सारी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसके दौरान 3 मंथ से लेकर जो आपका 9 मंथ तक का पीरियड है, 40 वीक तक का पीरियड है, उसके दौरान ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, ये एक्सरसाइज आपको करने से क्या हेल्प मिलेगी, एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक प्रेग्नेंट वुमन को क्या क्या हेल्प मिलने वाली है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, मेन अपन देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 मंथ से लेके 9 मंथ तक का पीरियड है उसमें कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। ओनली 40 वीक तक के पीरियड के दौरान आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेनली बात करें तो इस दौरान थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो इस दौरान पेट पूरी तरह से निकल चुका होता है, ठीक है। तो ऐसे में जरूरी यह है कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पेल्विक एरिया, जो आपका पेल्विक एरिया होता है, जहां से आपको क्या है मजबूती प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, मजबूत बनाएं और इसे खोलें। पेल्विक रीजन को आपको मजबूत बनाने के लिए ये एक्सरसाइज है। जिन एक्सरसाइज को आपको करना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगा, 1 बाय 1 इमेज के थ्रू भी आपको क्लियर करने वाला हूं कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे आपको करनी है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग हिप्स, कुल्लों को खोलने वाली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बारे में अपन बात करेंगे तो ये इमेज आप देख सकते हो, इस टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपके हिप है वो अच्छे से ओपन हो सके और पेल्विक की साइज अच्छे से बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करें तो पेल्विक एरिया है उसको स्ट्रेस करना है। पेल्विक स्ट्रेसेज की बात करें तो कैसे करनी है, ये भी एक्सरसाइज इसके सिमिलर ही होती है जो आपका हिप वाली एक्सरसाइज, इसकी सिमिलर एक्सरसाइज रहने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आप प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को पेन रिलीफ में ये एक्सरसाइज हेल्प करती है, जिससे कि प्रेगनेंसी में लेडीज को पेन होता है, उस पेन को रिलीव करने के लिए एक्सरसाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट वन बात करें तो योगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। योगा एक्टिविटी करनी है प्रेगनेंसी के दौरान, योगा फॉर द प्रेगनेंसी, रेगुलर कंटिन्यू बेसिस आपको डेली योगा एक्टिविटीज करनी है। जो बेसिक आप घर पे करते हो वही योगा आपको करना होगा। नेक्स्ट वन बात करें आपके लिए जो जलीय गर्भावस्था के व्यास, गर्भावस्था व्यायाम, जी हाँ, बात करें यहाँ पे जो आपकी प्रेगनेंसी है पानी के अंदर कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्वाटिक प्रेगनेंसी एक्सरसाइज, इस टाइप से आपको स्विमिंग पूल के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी होगी, पानी के अंदर आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी। आप देख सकते हो इस टाइप का इमेज है, ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है मेनली थर्ड वीक के दौरान, थर्ड जो ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का उसके दौरान। नेक्स्ट वन बात करें तो आपका ये एक्सरसाइज है स्क्वाट, ये एक्सरसाइज कैसी होती है इसके बारे में मैं बात करूं, इमेज के थ्रू आपको क्लियर कर दूं। ये एक्सरसाइज है आप देख सकते हो इस टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, 3 मंथ से लेके 9 मंथ के पीरियड के दौरान 5 से 10 मिनट ये डेली आपको एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करना है आपको डेली बेसिस। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको ब्रीथ लेनी है, उसके साथ में ब्रीथ को होल्ड करना है, उसके साथ में आपको वापस देन रिलीफ करना है। इस टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपको अच्छे से रिलैक्स मिल पाए और आपकी जो ट्राइमेस्टर के दौरान जो ग्रोथ होती है बेबी की वो भी अच्छे से हो पाएगी। उसके साथ में बात करें यहाँ पे जो अपर बैक स्ट्रेसेज है, इस एक्सरसाइज के बाद में बात करें तो ये एक्सरसाइज है मेनली आपकी जो बैक पोर्शन है आपको उसको आपको स्ट्रेसेज करना है। कैसे करना है आप देख सकते हो, इस टाइप का आपको हैंड रखना है, उसके बाद में बैक आपको स्ट्रेट रखनी है एकदम, ठीक है। और जो आपका कोर एंगेजमेंट है प्रिवेंट करता है शेविंग के लिए, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, इस टाइप से आपको हेड रखना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका बाइसेफ है उसको टुवर्ड ईयर करना है, हाथ को ऊपर करना है, इस टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज मेनली बैक रिलीफ, बैक पेन होता है उसको रिलीफ करने में ये मददगार रहती है। तो ये एक्सरसाइज है मेनली आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान करनी है। मैंने आपको बता दिया कि
कौन सी एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान। मेनली बात करें तो आपका 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक के पीरियड के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि प्रेग्नेंट लेडी को पेन रिलीफ में हेल्प करें। उसके बाद में जो आपका पेल्विक रीजन है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाता है, उसके साथ में जो आपका बैक पेन होता है उसको रिलीफ मिलता है, और मेनली प्रेगनेंसी के दौरान जो पेल्विक एरिया और जो मेनली पेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसमें रिलीफ आपको मिल सके। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एक्सरसाइज करनी है। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो एचआर मेडिकल ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।